रात के 12:30 बज चुके हैं, लेकिन तक हमारा ट्रेन चालू नहीं हुआ है। पता नहीं क्या हो गया साला, ट्रेन लेट पे लेट लेट पे लेट हो जाए खाली। हमारा आरा जंक्शन जिसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि सब गंगा नहाया करके आए हैं इसके लिए। क्या कौन सा मेला है लेकिन ये लोकल ट्रेन आई, ये देखो लोकल में कितना पब्लिक निकली है। उतर चुके हैं मुजफ्फर रेलवे स्टेशन देखने को इस समय, और ये हमारी ट्रेन खड़ी है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इस समय मुजफ्फर स्टेशन। उतर रहे हैं आरा में, इस साइड भी इस साइड भी आरा में ट्रेन हमारी पूरी खाली हो जाएगी। चलते नीचे चाय वाय पिए के सब उतरा हो गए। ओए निकली निकली ओए निकली हमारा आरा जंक्शन जिसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि सब गंगा नहाया करके आए हैं इसके लिए। सब पब्लिक है, इतनी भीड़। ये हमारा आरा जंक्शन जो कि बिहार में पड़ता है, सब गंगा नहा करके आए हैं सबके सब। आरा जंक्शन दानापुर पे जितने दानापुर था सब उतरेंगे। ओके पहुंच चुके हम दानापुर रेलवे स्टेशन, देखो दानापुर का ओए हाय काफी अच्छी जगह है, उतरते आराम से। 1500 किलोमीटर जर्नी तय के बाद पहुंच चुके हम दानापुर रेलवे स्टेशन, जो कि हमारे बिहार में पड़ता है, और यहाँ से करीब हमारा बसता 200 किलोमीटर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन जहाँ हमें पहुँचना है। और इसका टाइम तो सुबह सुबह 3 बजे का दानापुर का, लेकिन हमें पहुँचाया इस समय 8 बजे। करीब हमारी ट्रेन 5 घंटे लेट चल रही है, और हमें मुझे कुछ छोड़ते थे हमें करीब 11 बज जाएगा, पर कोई बात नहीं चले, कोई बात नहीं दिन का है। और यहाँ पे स्टेशन देखो दानापुर का काफ़ी बड़ा स्टेशन है, सोनिया ला के रख दिया कि जब से हमारा जैसे हमारा स्टेशन आएगा हम फटाफट उतर जाएंगे। बीच हमारा स्टेशन पड़ता है तुर्की, अगर वहाँ पर ट्रेन रुकती है तो हम फटाफट उतर जाएंगे, नहीं तो फिर मुजफ्फरपुर में बदलना पड़ जाएगा। तो फाइनली हमारा ट्रेन दानापुर से खुल चुकी है, अब बस खाली इंतजार है कब हम घर अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि 3 दिन से यहाँ ट्रेन में बैठे बैठे भाई पक गए, हालत ख़राब हो गई, इतना स्लो कि पूछो मत। रात को ट्रेन हमारा 2 घंटे के लिए अपना क्या बोलते हैं प्रयागराज चौकी पर जाकर रुक गया था, बोलो 2 घंटे ट्रेन वहाँ रुकी साइड भी खड़ी थी। ऊपर से इतना लेट चल रहा है ना, ऊपर शरीर इतना दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, सब कुछ दर्द हो रहा है, सब हालत ख़राब हो गया। दानापुर का डिपार्चर देख लो, बाय बाय दानापुर, फिर मिलेंगे। जैसे हम गांव में एंटर करते बिहार में तो लगता है कि हाँ भाई गांव में पहुंच गए, क्योंकि यहाँ की हवा और यहाँ का जो अपना वातावरण है वो सब लगता महसूस होता है कि हाँ कि अपना गांव आ चुका है। देखो ना हर जगह खेती खेत नज़र आ रहा है, सुबह सुबह ये सब सूरज का किरने, बाकी यह पंछी का ऊपर से धान वान पूरा ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई अब आ गए हम बिहार। पहुंच चुके हमने पाटलिपुत्र जंक्शन, जो कि हमारे यहाँ से जो कि हमारा पड़ता है 1600 किलोमीटर। जर्नी तय के अंदर पहुँच चुके हम लोग पाटलिपुत्र, जो कि हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आया है, और कुछ इस तरह का पाटलिपुत्र जंक्शन है, आपको हम यहाँ से दिखाते हैं। तो देखो ये जंक्शन है हमारा पाटलिपुत्र का, छोटा सा मीडियम स्टेशन है लेकिन ठीक है फिर भी, बाकी सबसे आगे यहाँ पे ब्रिज है बहुत बड़ा। यहाँ पब्लिक ज़्यादा उतरी तो नहीं है हमारी स्टेशन पे, सब उतरे जाकर सोनपुर में, और उसके उतरेंगे हाजीपुर, और लास्ट ऑफिस का मुजफ्फरपुर पड़ता है, जो कि हमारा टोटल डिस्टेंस होता है 1800 किलोमीटर। वहाँ सोच इतना ऊपर आ चुका है, फिलहाल अभी ठंडी तो नहीं लग रहा, लेकिन सुबह रात में ठंडी ज़ोरदार लगा, क्योंकि ट्रेन चला था ठंडी लग रहा था। और यहाँ पर हमारा करीब करीब 5 मिनट का स्टॉप है ये पाटलिपुत्र स्टेशन पर, बाकी स्टेशन देख लो यहाँ का पहले मार्ट में सिग्नल हो चुका है, बस निकलेंगे यहाँ से। तो फाइनल ट्रेन हमारी निकल चुकी है दानापुर रेलवे स्टेशन से।
क्योंकि बहुत बड़ा पुल है ये हमारा। ये देखो ओ मेला, कौन सा मेला है लेकिन ये, हाँ हो सकता है, हाँ सोनपुर काटी घाट है सोनपुर वाला, जैसे तुम्हारे ये सोनपुर का मेला हमारा, वो सोनपुर का पुल दिख रहा है, वो सोनपुर का पुल है वो आगे। स्टेडियम सब कुछ बना हुआ है, सब तो पटना में ही आता है, कार रेस होता ना वगैरह वगैरह वगैरह। तो अभी हमारा आने वाला सोनपुर स्टेशन जो कि हमारे पटना यूपी बिहार में पड़ता है, और तो काफ़ी मस्त स्टेशन है हमारा सोनपुर। तो बस अभी आने वाला है, आपको दिखाते हैं, तो बस स्टार्टिंग हो चुका है, आता है बस कोहरा लगा हुआ है देख सकते हो हल्का हल्का। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सोनपुर स्टेशन, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है हमारे सोनपुर स्टेशन पे, अभी सब गंगा स्नान करके आए हैं अभी सब, इसके लिए सब यहाँ से चढ़ेंगे, तो सब चढ़ेंगे फटाफट। अभी सब घुस जाएंगे इसी के अंदर ही, खाली पूरा जाओ अंदर पूरा खाली जाओ जाओ पूरा अंदर खाली है, जाओ जाओ अंदर पूरा खाली है। फाइनली लोग पहुंच चुके हैं सोनपुर जंक्शन जो कि हमारे पटना यूपी बिहार में पड़ता है, और 1600 किलोमीटर जिले तक तय करने से पहुंचे सोनपुर, जो कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि यहाँ सब गंगा स्नान करके गए हैं, गंगा स्नान करके आ रहे हैं तो उसके लिए भीड़ है, सब लोग उतरेंगे यहाँ पर अपना हाजीपुर सब जगह उतर जाएंगे, इसके लिए भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो उस साइड उतरना बहुत मुश्किल है, इसके लिए आपको यहाँ से ब्लॉग में दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा तो सट कैसा है भीड़। तो इस वक्त कितना सारा पब्लिक खड़ी है यहाँ पे हमारे सोनपुर जंक्शन पे, उस साइड पूरा पब्लिक खोल लेता हूँ, जहाँ तक मैंने यहाँ खाली पब्लिक ही पब्लिक है, और टाइम इससे हो चुका है हमारा 10:30। प्रशासन में पूरी तरह से हेल्प की जा रही है ताकि सब पब्लिक जो है यात्री जन है अच्छे से गाड़ी बैठ सके, इसके लिए आगे हर डिब्बे के पास हमारे पुलिस के कर्मचारी खड़े हैं, बाकी देख लो ये सब बहुत भीड़ है बहुत। मैं लोकल ट्रेन आई, ये देखो लोकल ट्रेन कितना पब्लिक निकली है, जैसे हमारे गुजरात में लोकल ट्रेन चलती है वैसे यहाँ पे भी लोकल ट्रेन चलती है, इसमें खाली मतलब लोकल लोकल जगह मतलब जो मैं छोटा ट्रेन वहाँ रुकती है, जगह उस टाइप के लोकल ट्रेन है, और प्लस यहाँ जब हम लोग गंगा नहाने गए तो उसका पब्लिक काफ़ी ज़्यादा है, इसके लिए यहाँ पे जितना भाग दौड़ हो जा रहा है। तो फाइनली हमारा सोनपुर स्टेशन से हमारा ट्रेन खुल चुका है, अब देख लो यहाँ का डिपार्चर। तो भीड़ को मद्देनजर रखते हुए भी हमारा ट्रेन जो कि सुलू सुलू आगे बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत लोग ट्रेन में चल रहे हैं इस समय, वो देख सकते हो आगे सर, इसके लिए सर ट्रेन सुलू सुलू चल रहा है, और टाइम इस समय हमारा हो चुका है 9:26, ट्रेन हमारी लेट पर लेट हो जा रही है। हमारा चालू हो चुका हमारे सोनपुर जंक्शन से 15 मिनट के इंतज़ार के बाद हमारा स्टेशन सोनपुर स्टेशन निकल चुके हैं, बाकी भाई भीड़ बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ गंगा जी का गंगा स्नान है, तो सब नज़दीक पड़ता है सब नहाने के लिए आ गए थे, इसके चक्कर में आप नहा के और मैं नई जगह है तो जगह घर जाने के लिए, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा भीड़ है, बाकी आगे डिपार्चर देख लो आप। ये यहाँ का डिपार्चर, पब्लिक अभी भी सोए हुए हैं, आपके ट्रेन है कितने ट्रेन है क्या पता हमें, बाकी हम निकल चुके हैं सोनपुर जंक्शन से हमारा, ये देखो डिपार्चर, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है हमारे सोनपुर जंक्शन पे, क्योंकि यहाँ का जस्ट मेला लगा इस चक्कर में यहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा है, बाकी देख लो डिपार्चर। ये रहा हमारा सोनपुर जंक्शन, तो बाय बाय सोनपुर जंक्शन, फिर मिलेंगे आपसे हम आते समय। दोस्तों ब्लॉग थोड़ा बड़ा बन जाएगा तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि
कंटिन्यू कल का सेकंड डे का और थर्ड डे का आज के ब्लॉग को कंटिन्यू कर दिया हमें, क्योंकि उसमें वीडियो में इतना कुछ दिखाने के लिए है, क्योंकि सोच कुछ काट ही नहीं पा रहा कि मैं क्या काटूँ क्या नहीं काटूँ। इसके लिए ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, कम से कम 25 मिनट मिनिमम जाएगा, क्योंकि उससे पहला हमारा ब्लॉग था वो हमारा 15 मिनट का माना था, तो ये कम से कम 25 मिनट जाएगा। तो आप सब वीडियो पूरा देखना, आपको बहुत मजा आएगा। और जो भी चैनल न्यू चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ में कमेंट कर दे कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है और कैसा वीडियो आप हमारा साथ देखने चाहते हो। ठीक है, फिलहाल तब गांव का नज़ारा बना लीजिए आप। दिखते कि नहीं, फोन मम्मी ने बोली है कि ये लोग खड़े ना, देखना ये है कि लोग वहाँ दिखते कि नहीं दिखते। पल भी हमारे गांव से निकल गया, खाली मामा नहीं आई थी। आपको वीडियो देख लेना, जूम करके दिखाएंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा। बस कुछ ही देर में पहुँचने वाले मुजम्मू जंक्शन पे, तो वहाँ उतरते फिर आपसे मिलते हैं। मुजम्मू स्टेशन आने वाला है बस कुछ ही देर में। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, अभी खाली उतरना बाकी है, उतर लेते फटाफट, सामान सब हमें निकालना पड़ेगा बाहर, तो निकाल के फिर आपसे मिलते हैं। 0102 is standing on platform number 5. तो फाइनली उतर चुके हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, देख लो समय, और ये हमारी ट्रेन खड़ी है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है समय स्टेशन में। पूरी ट्रेन खाली हो गई है और यहाँ भीड़ नोटिस और कितना है, थोड़ा भीड़ भी। तो देखो दोस्तों, ये हमारा मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, ये यहाँ पे और हम बाहर खड़े हैं, रेलवे से बैठ चुके हैं, आप निकल सीधा घर पे, टाइम हो चुका 12:30 बजे जा रहा है, मिलते हैं आपसे घर पे। गाड़ी जा रहा है, तो फाइनली पहुंच चुके अपने घर पे और टाइम हो चुका है इस समय 1, अभी नहाते हैं। ठीक है, आपसे बाद में मिलते हैं, अगले